तो मैम फिर चर्चा स्टार्ट करते हैं यहीं से कि आप सबसे पहले हमें बताएं कि ये डेंटल डिसऑर्डर्स क्या हैं एंड किस किस तरह के डेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं बच्चों में। सबसे कॉमन जो डेंटल डिसऑर्डर है वो है दांतों में कीड़ा लगना, और काफ़ी कॉमन है कि यू कैन से कि 90% बच्चों में आप पाओगे कि किसी ना किसी एक दांत में कहीं ना कहीं लाइफ में कभी भी कीड़ा लगा होता है। सो इट्स वेरी कॉमन। दूसरा आप डिसऑर्डर कह सकते हो कि दांत आगे पीछे आने, अलाइनमेंट में नहीं आने, जी ये डिसऑर्डर माना जा सकता है। जी तीसरा है कि फिर बच्चों में हैबिट्स आती हैं, जैसे अंगूठा चूसने लग जाते हैं। ओके, सो इसको अगर 3-4 साल तक हम देखें तो नॉर्मल कहा जा सकता है, मगर अगर ये हैबिट 4 साल के बाद परसिस्ट करती है तो ये नॉर्मल नहीं है। तो उसमें क्या होगा कि फिर और चेंजेस आएंगी, जैसे जॉ में चेंज आएगी, दांत टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, तो उसको फिर हमें हैबिट ब्रेक करने के लिए इम्पोर्टेंट है। देन दूसरी बात है कि बच्चे दांत क्लेंच करते हैं रात को जब सोते हैं तो आवाज आती है, बच्चे को खुद नहीं पता चलता है मगर हम पेरेंट्स या जो भी बच्चे के टेकर है उनको पता चलेगा कि बच्चा जो है वो दांत चबा रहा है, क्लेंच कर रहा है। सो इस ये भी एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है हमारे लिए। जी तो श्रोताओं, जैसे डॉक्टर्स ने बताया कि कौन से कॉमन डिसऑर्डर्स हैं, तो हम सबसे पहले बात करते हैं टूथ डिके, या हम इसे कह सकते हैं कैविटी। डॉक्टर, हर 5 में से 1 बच्चे को, यानी कि 20% बच्चों को तो कैविटी प्रॉब्लम है ही, इसके क्या कॉजेज हैं, पेरेंट्स इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इनके क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं? मोस्ट कॉमन कॉज तो है कि पुअर ओरल हाइजीन एंड डाइट, डाइट हमारी सही नहीं है, शुगर एक्सपोजर ज़्यादा है, सॉफ्ट स्टिकी फूड जो दांतों पे चिपका रहता है ज़्यादा समय तक, उससे कैविटीज़ होती हैं, और फिर हमने ऐसा खाना खाया है और फिर हमने दांतों को साफ नहीं किया, यहाँ से शुरू होता है दांतों में कैविटी बनना। और जो दिखता है कि एकदम सडनली पेरेंट्स बोलेंगे हमारे बच्चे के दांत में देखा तो काला हो गया है, इतनी बड़ी खोड़ हो गई है, सो ये बनती ओवर द काफ़ी समय पे बनती जाती है। बेसिकली निगलेक्टेड ओरल कैविटी है कि हमने ध्यान नहीं दिया है। सो जब हम रिपीटेडली बार बार ऐसा खाना खाते हैं, दिन में कई बारी खाते हैं तो, और दांत बीच में से साफ नहीं करते हैं, तो उतनी बारी बैक्टीरिया का अटैक होता है, एसिड बनता है वहाँ पे और वहाँ पे कैविटी बनती है। तो इसकी प्रिवेंशन तो यही है कि खाना एक तो टाइम पे खाएंगे एंड इन बिटवीन मील्स जो स्नैकिंग होती है रिपीटेड वो अवॉइड करना है, और जो स्नैकिंग करनी है वो हेल्दी स्नैकिंग होनी चाहिए, फ्रूट खाओ इन बिटवीन, कोई कैरेट गाजर सब्जी मतलब सैलड टाइप चीज खाओ रादर देन की बिस्किट खा लिया, ब्रेड खा लिया, चिपका जो रहता है। तो मल्टीपल जब बार बार हम ऐसा खाना खाते हैं तो बार ज्यादा होता है। और दांतों की फिर सफाई रखनी है कि ब्रशिंग जरूर करनी है ट्वाइस अ डे, ब्रेकफास्ट के बाद जरूर, और रात को सोने से पहले ब्रश करके सोना है, ये तो मिनिमम है कि इतना करना ही करना है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर, अब आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि कई बच्चों के दांत काले हो जाते हैं, इसे हम ब्लैक स्टेन भी कह सकते हैं, ये क्यों होता है? ये बेसिकली स्टेन नहीं होएगा, स्टेन अगर आप बोलेंगे कि ये स्टेन है तो इट कुड बी कि जी फ्लोरोसिस हो गया, कहीं कहीं जगह पे पानी में फ्लोराइड ज्यादा होता है तो जब तो उसके ब्राउनिश स्टेन होते हैं, अगर हम सिर्फ स्टेन की बात करें। बट अगर अदरवाइज एक होता है हमारा रैम्पेंट केरीज होती है कि एकदम से आप देखोगे कितने सारे दांत बच्चे के मुंह में सारे काले काले नजर आते हैं, आई थिंक आपका मतलब इससे है, ये भी एक किस्म का कीड़ा लगना ही है। जो बच्चे रात को जैसे मीठा दूध पी के सो गए, और होता ही है रात को बच्चे को कि सोने से पहले दूध दे दो, दूध में चीनी डाली हुई है और बच्चा पीते पीते ही सो गया, उसके बाद कुल्ली नहीं करी, ब्रश नहीं करी, है ना, तो वो डिके हो गया। तो वो ऐसे वाला जब कंडीशन आती तो सारे दांत एकदम से बहुत स्पीड से ये फैलता है और इससे ब्लैक स्टेनिंग हो जाती है। हाँ, ये डिके है, बेसिकली कीड़ा ही लगा, केरीज ही है। ओके, यस, तो इसके प्रिवेंशन वही है कि रात को बच्चा मीठा दूध नहीं पिएगा और पीते पीते नहीं सोएगा, पहले पिएगा, दांत साफ करेगा और फिर सोएगा। एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज जबकि मुंह में पहला एक दांत भी आ गया हो उसी दिन से दांतों की सफाई शुरू। इसमें पेरेंट्स को ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, बिल्कुल छोटी एज में पेरेंट्स ही बच्चे को साफ दांत करके देंगे। डॉक्टर साहब, आई एम श्योर बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी टेंशन अपने बच्चों के दांतों की डेवलपमेंट है, तो आप बताएं प्लीज ये डेवलपमेंटल डिले के क्या कॉजेज हो सकते हैं और वो कैसे प्रिवेंट करें इसे?
डेवलपमेंटल डिले को तो एज सच हम प्रिवेंट हमारे हाथ में नहीं है, बट देयर कुड बी सम अदर फिजिकल अदर रीजन ओवरऑल कि बाकी कुछ और डेवलपमेंट में भी डिले होगा, उसके साथ दांत भी थोड़े लेट आए हैं. सो एज सच पेरेंट्स का इसमें किसी का कोई एज सच रोल नहीं है कि वो डिलेड उसको प्रिवेंट कर सके. सो दैट इज जस्ट दैट इज हाउ द चाइल्ड इज. सो बाकी फिजिकल चेकअप होना चाहिए, सारी बॉडी का चेकअप होना चाहिए कि कहीं कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके साथ रिलेटेड ही दांत लेट आ रहे हैं. ऐसा भी हो सकता है डेफिनेटली. जी, तो डॉक्टर साहब अब बात करेंगे मैलोक्लूजन के बारे में, बिकॉज 90% बच्चे ऐसे हैं जिनमें पुअर बाइट के सिम्टम्स मिलते हैं और ये अलाइनमेंट प्रॉब्लम यूं ही धीरे धीरे बढ़ती है, ये कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? देखो, जब दांत आने शुरू होते हैं वो डिफरेंट टाइम पे आते हैं, सो एज दे आर कमिंग दे विल नॉट कम इन अलाइनमेंट. सो जैसे जब पूरा सेट दांत का मुंह में आएगा तब अलाइनमेंट हम चेक करेंगे. उसके पहले अगर हम कहें कि दांत ठीक नहीं आ रहे, टेढ़े आ रहे, तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस का हिस्सा है. ठीक है, जैसे सामने वाले दांत टूटे बच्चों के, वो एक सीक्वेंस में टूटेंगे, बट जब तक सारे आएंगे तभी हमें पता चलेगा कि जॉ में पूरी स्पेस है जिसमें वो अलाइनमेंट में आ रहे हैं. कोई जॉ छोटा तो नहीं है, स्पेस कम तो नहीं है जिसकी वजह से क्राउडिंग हो सकती है. बट देन ये लेटर स्टेज पे है, अनलेस ऑल द टीथ हैव कम वी कैन नॉट डिसाइड दैट इट इज एन अलाइनमेंट प्रॉब्लम. एंड सेकेंडली, बच्चे को अगर थंब सकिंग की हैबिट है जैसे, तो अगर वो परसिस्ट कर रही है तो उसकी वजह से भी दांत टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं. सो वो कॉज है कंसर्न के लिए, कि उसके लिए हमारे को हैबिट ब्रेकिंग इम्प्लांट्स देनी पड़ेगी. सो उसके लिए फिर पेरेंट्स जो हैं वो डेंटिस्ट के पास लेके जाएंगे बच्चे को, वो असेस करके जो भी अप्लायंस बनता है तो वो बनाया जाता है. बट एज सच एट दिस एज जब बच्चा अभी दांत आ रहे हैं तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि अभी ये टेढ़े मेढ़े हैं या मैलोक्लूजन हो गया है या हो, है ना. जी, सो पर एक बार ही आ गए हैं दांत तो फिर अगर आपको लग रहा है टेढ़े मेढ़े हैं, इसका इलाज जरूर है. जी. वो जो आपने सुना होगा कि ब्रेसेस लग गए या तार लगवाई है दांतों पे, फिर ये वाला इलाज हो जाता है तो हम उसको अलाइनमेंट में कर देते हैं. ये हम किस एज में कर सकते हैं, किस एज में ब्रेसेस लग सकती हैं? ये 11 से 12 साल की एज में बच्चे के लग सकते हैं. असेस करना होता है बेसिकली आपको कि इंटरसेप्टिव स्टेज के, इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स बोलते हैं, कि जब अभी आ रहे हैं दांत तो उस स्टेज में असेस कर लेते हैं कि इनको जरूरत पड़ेगी ब्रेसेस की कि नहीं पड़ेगी उसके बिना. तो कई बार किसी किसी दांत को एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है कि निकालते जाते हैं वो दूसरा लाइन में आता जाता है, तो वो असेसमेंट करानी पड़ती है. हैव टू गो विजिट योर ऑर्थोडोंटिस्ट और वो चेक करेंगे, एक्सरेज करते हैं, बड़ा कुछ करके फिर हिसाब लगाते हैं, फिर प्लान बनता है, ट्रीटमेंट प्लान फिर अकॉर्डिंगली होता है. एंड हर किसी का केस डिफरेंट होता है, उसी तरह फिर ट्रीटमेंट प्लान बनेगा. जी बिल्कुल. डॉक्टर साहब, अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें गम्स की प्रॉब्लम होती है, इन्हें स्वॉलन रेड गम्स होते हैं, तो पेरेंट्स अपने बच्चे के इस डिस्कम्फर्ट को रिलीव दिलाने के लिए क्या कर सकते हैं? अब ये स्वॉलन और रेड गम्स किस एज पे हैं, ये देखने की बात है ना. अगर तो बच्चे के दांत अभी इरप्ट हो रहे हैं, मुंह में आ रहे हैं, उस समय के जो थोड़े थोड़े स्वेलिंग होती है दैट इज नॉर्मल. उसको रिलीफ देने के लिए बच्चे को यूजली एक तो आपने वो कहते हैं ठंडा एक होता है जो होते हैं चुइंग बाइट रिंग, हाँ बाइट रिंग्स, तो वो ठंडा मुंह में बच्चा उस पर चबाता है तो उससे आराम आता जाता है. पर वो जब एक बारी दांत निकल आता है वो स्वेलिंग अपने आप सबसाइड हो जाती है. बट अगर बच्चे के ऑलरेडी दांत आए हुए हैं, फिर उसके आसपास उसके मसूड़े सूजे हुए हैं और थोड़ा सा भी टच करती ब्लीडिंग होती है ना, वो है कि बच्चे के दांत उसने साफ नहीं रखे हैं, वहाँ पे प्लाक डिपोजिशन कुछ कुछ जमना शुरू हो जाता है अगर हम दांत साफ नहीं करते हैं, फिर वहाँ गम्स सूज जाते हैं तो वो फूलने लगते हैं, उसको फिर क्लीनिंग करवानी पड़ती है. एंड फिर उस बच्चे को इंस्ट्रक्शंस भी दी जाएंगी कि सेल्फ क्लेंजिंग दांतों की, उन्होंने not really the right term self cleansing, how to take care of the teeth themselves, to brush at the right time at the for the right amount of time. kai bari bachcha brush karne jata muh mein dala paste dali and bathroom se bahar na kehte maine to brush kar liya, parents kahenge dikhao ye dekho you can smell the paste. to brush karani hota hai to chote bacche ko to parents ko monitor karna padega khade ho ki haan ji isne kar raha bhi hai ki nahi kar raha. so basically they can make it a fun game ki parent bhi kare bachcha bhi आपस में सामने खड़े होकर करें दिख जाता है. सो सोलन गम बेसिकली इज एक तो छोटा बच्चा है तो दांत आ रहे हैं तो वहाँ सूजे होते हैं. अगर बड़े के हैं दैट मीन्स उसकी थोड़ी कुछ सफाई रखने में कमी है, तो वो उसको अकॉर्डिंगली उनको इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी उन्होंने कैसे साफ रखना है. तो डॉक्टर, अब आपके इसी क्वेश्चन से रिलेट होता है कि आप बच्चों को किस टाइप का टूथब्रश रिकमेंड करेंगे और वो दिन में कितने बार अपने दांत क्लीन करें, या आजकल बहुत से माउथ वॉशेज आते हैं, ये कितना सही है यूज़ करना? ऐसा है आतिमा, ब्रश
और माउथ वॉश इंटरचेंजेबल नहीं है. हम ये नहीं कह सकते कि हम ब्रश नहीं करेंगे तो हमने बस माउथ वॉश कर लिया वो सफिशिएंट है. नहीं, ब्रशिंग का अपना इम्पोर्टेंस है जिसको कोई भी और चीज़ कवर अप नहीं कर सकती है ना. ब्रशिंग से मैकेनिकली हम जो भी जम रहा उसको हम मैकेनिकली रिमूव कर रहे हैं, ब्रश चला के दांत के सारे सर्फेसिस को है ना सारा क्लीन कर रहे हैं. तो अगर आप कहो कि ब्रश ना करते हुए मैंने माउथ वॉश कर लिया तो वो नहीं, वो उसकी जगह नहीं ले सकता. माउथ वॉश का अपना रोल है, ब्रशिंग ट्वाइस अ डे डेफिनेटली करनी ही करनी है. माउथ वॉश अब बच्चों को इतनी किस एज पे इतनी जरूरत है, फ्लोराइड रिंस होता है, अगर कई बच्चों को कीड़े लगने की ज़्यादा टेंडेंसी होती है उनको हम फ्लोराइड रिंस देते हैं. वो जो माउथ वॉश सो कॉल्ड होता है उसमें फ्लोराइड होता है जी. तो वो फ्लोराइड आता जाता है, फ्लोराइड से कैविटीज़ का होना कम हो जाता है. सो दूसरा एक माउथ वॉश होता है क्लोरहेक्सिडीन हो जाता है. हाँ, वो भी बेसिकली टू कीप द ओरल कैविटी क्लीन है, बट उसको डायल्यूट करके यूज़ करना है. लॉन्ग टाइम यूज़ करोगे स्टेनिंग हो जाती है. तो बेसिकली फॉर अ चाइल्ड अगर वो सिंपल टूथब्रश दिन में दो बारी करें रेगुलरली इट इज़ सफिशेंट. और कोई स्पेसिफिक टूथब्रश आप रिकमेंड करेंगे? ब्रश शुड बी, दे शुड यूज अ सॉफ्ट टूथब्रश, है ना. बाजार में हार्ड भी आता है वो भी मीडियम भी आता है, तो सॉफ्ट इज रिकमेंडेड. एंड जो बच्चा होता है उसके लिए ब्रश का हेड जो होता है वो छोटा चाहिए, है ना, क्योंकि उनका मुंह छोटा है तो वो उस हिसाब से साइज देख के बच्चे के लिए छोटा ब्रश लेंगे. एंड जो टूथपेस्ट लगानी है ब्रश के ऊपर ना, एड में तो दिखाते हैं पूरी खोल के सारी लगा देनी है, तो वो नहीं करनी. आपने सिर्फ एक मटर के दाने का साइज लगाना है, दैट इज सफिशिएंट. जो आपकी ब्रशिंग टेक्निक है उसका रोल है ज्यादा कि आपने किस तरह से ब्रश किया है, दांतों के सारे सर्फेसिस क्लीन हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, उसका फर्क पड़ता है जी. और हमारे साथ जुड़े हैं हमारी ही कम्युनिटी के एक महिला सरिता, जिनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं डेंटल डिसऑर्डर को लेके, वो अब हमारे डॉक्टर से पूछेंगे. घर पर छोटे बच्चे हैं, बहुत चॉकलेट्स खाते हैं और मानते भी नहीं, तो उनके दांतों की देखभाल कैसे करनी चाहिए? ऐसा है कि बच्चे हैं और चॉकलेट सामने अवेलेबल है, इतनी अच्छी एड्स आती हैं, इतने टेम्प्ट हम बड़े भी हो जाते हैं कि थोड़ा चॉकलेट खा ही लें तो क्या है. तो ऐसा है, बच्चे खाएंगे तो जरूर, पर आपने ये रिस्ट्रिक्ट करना है. ये नहीं कि आते जाते हर समय हर एक 15 मिनट के बाद एक चॉकलेट खाया, फिर चॉकलेट खाया, फिर इधर गए फिर चॉकलेट खाया. आप उसको थोड़ा उस पर कंट्रोल करेंगे कि बार बार नहीं खाएंगे, ठीक है. हाँ, कितनी बारी, सपोज एक सुबह ले लिया, थोड़ा शाम को ले लिया, वेरी गुड. बट एट द सेम टाइम जब ले लिया पर आपने क्या करना है, उसके बाद दांत जरूर साफ करना है. सिंपल पानी से कुल्ला ही करा दो, ये बेस्ट ये रहे, है ना. बच्चों का मना नहीं करेंगे, वो आए हैं उन्होंने भी चॉकलेट खाना मज़े लेना है. तो सिंपलेस्ट पॉसिबल थिंग जो आप कर सकते हैं, बच्चे ने खा लिया कोई बात नहीं, तो उसको बोलो जाओ पानी से कुल्ला करके आओ अच्छे से, ताकि वो वहाँ पे चिपका नहीं रहे. तो सिंपल सबसे बेस्ट एफिशिएंट. जी जी बिल्कुल. बच्चा अगर छोटा है 3 साल का है तो उसको टूथपेस्ट की मात्रा कितनी रहनी चाहिए? 3 साल से छोटा बच्चा जी, छोटे बिल्कुल ही छोटे बच्चे को तो आपने जब बिल्कुल ही नया एक या दो दांत आए हैं वैसे सफाई आपने तब से शुरू कर देनी है. पेरेंट करेंगे तब उसका ब्रश करेंगे, तब सिर्फ ब्रश और पानी से ही करेंगे. सो 3 साल के बाद आप टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं, लो फ्लोराइड लेवल वाला, वही छोटा सा मटर के दाने के बराबर अमाउंट लेके ब्रश पे करेंगे. आप मॉनिटर करेंगे, आप साथ खड़ेंगे, फिर भी आपने ख्याल रखना है कि बच्चा टूथपेस्ट अंदर ना ले जाए, बाहर थूके. बिकॉज आजकल बच्चों को एक्ट करने के लिए टूथपेस्ट के बड़े बड़े अच्छे फ्लेवर्स आते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, दिस फ्लेवर, बच्चों को इतनी समझ नहीं है, उनको बड़ा स्वाद लगता है, तो वो हो सकता है कि अंदर ही निकल जाएं. तो आपने वो बच्चे को सिखाना कि थूकना जरूर है बाहर. बच्चों को ऐसे कौन से फल और सब्जियां देनी चाहिए जिनसे उनके दांतों की सेहत बनी रहे? अच्छा क्वेश्चन है. फल तो सबके लिए ही अच्छे हैं, सारी सेहत के लिए ओवरऑल ही अच्छे हैं, दांतों के लिए भी अच्छे हैं. एप्पल आई वुड से इज क्रंची, उसका वैसे हेल्थ इफेक्ट तो है ही है, जब आप खाते हो उसको वो दांत साफ करता जाता है ना, इतना नरम नहीं है वो, क्रंची जैसे आप समझ रहे हो. तो एप्पल अच्छा है, गुआवा अच्छा है, किसी भी कोई भी एक्चुअली तो सारे सीजनल फ्रूट अच्छे हैं. आप गाजर काट के दे दो बच्चे को खाने के लिए गर्मियों में ठंडी, खीरा काट के दे दो राधा देन की वो बिस्किट खा रहा है या ब्रेड खा रहा है. जी, जी, बिल्कुल है ना. वो ये सिर्फ आदत डालने की बात है कि हमने कई बार बच्चों को हम ही आदत डालते हैं, ये लो बेटा टॉफी खाओ, ये लो बेटा चॉकलेट खाओ. अगर हम बचपन से उनको फल फ्रूट और अच्छी चीजें उनके सामने रख रहे हैं तो वो वही खाएंगे जी. जैसा मर्जी उनकी आदत बना लें हम. तो सरिता, आई एम श्योर अब आपको आपके क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं.
एक्सट्रीमली थैंक यू डॉक्टर. थैंक यू. तो डॉक्टर किटी, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी हमारे श्रोताओं को अपना अवेयरनेस मैसेज दें. अवेयरनेस मैसेज तो यही है कि जो दांत हमारे परमानेंट हैं मुंह में, पहले तो आते हैं हमारे दूध के दांत आते हैं. जनरल ओपिनियन यही होता है कि ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं है, तो दूध के दांत हैं ये तो निकल जाएंगे, दूसरे बाद में परमानेंट आ जाएंगे, कुछ ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं है. वो बहुत बड़ी एक मिसकंसेप्शन है. हमको दूध के दांत के बच्चों की उतनी ही केयर करनी है जितनी हम अपने परमानेंट दांतों की करते हैं. इनकी उतनी ही इम्पोर्टेंस है बच्चे की स्पीच में, उनकी दिखाई फेस की आउटलुक में कैसा है. तो ये सब उसके लिए दांत हमें रखने हैं, और ये जो दूध के दांत है वो परमानेंट दांतों की जगह बना के रखते हैं, खाने में हेल्प करते हैं. तो इसकी प्रॉपर पूरी केयर करनी है. और जो परमानेंट दांत है वो डेफिनेटली खराब हो जाएगा तो वो दोबारा तो आएगा नहीं, है ना. तो उसकी तो एब्सोल्युटली केयर करेंगे ही करेंगे. तो बेसिक यही है, दांत में कीड़ा लगने का कारण है कि हमारी डाइट गलत है, सॉफ्ट है, स्टिकी है, तो वो डाइट बदलनी चाहिए हमें. और ओरल हाइजीन जो अपना है, मुंह की सफाई, दांतों की सफाई रेगुलरली करनी है, दिन में 2 बार करनी है. और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हम इतना टाइम कितना कहीं वेस्ट कर लेते हैं. दांतों की केयर भी करनी चाहिए ब्रेकफास्ट के बाद. बच्चा अगर स्कूल भी जा रहा है ब्रश करके जाएगा, और रात को खाना खा के ब्रश करके सोएगा, और दूध मीठा पी के नहीं सोएगा. मतलब 3 बार ब्रशिंग रिक्वायर्ड है. 2 बार ही तो डेफिनेटली रिक्वायर्ड, आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर डिनर. एंड बच्चे जरूर बीच में स्नैकिंग करेंगे, मीठा जरूर खाएंगे, चॉकलेट जरूर खाएंगे. हम बच्चे हैं आफ्टर ऑल, उनकी उन्होंने भी थोड़ा मजे लेने हैं, है ना. जो चीजें खानी है, केक भी खाएंगे. सो हम ये आदत डाल सकते हैं कि जब भी खाया तो कहीं बाहर है, घर पे नहीं है, ब्रश नहीं है, तो एटलीस्ट सिंपल पानी से कुल्ला कर लें. सो उससे बहुत बहुत फर्क पड़ता है, ताकि हमारे वहाँ मीठा चिपका नहीं रहे और एसिड प्रोड्यूस ना. सो ये छोटा छोटा चेंज हम करने लगेंगे अपनी आदत में, लाइफ लॉन्ग फिर हमारी हैबिट बन जाती है, दांत सही रहते हैं. जी बिल्कुल. डॉक्टर प्रवीण, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? नहीं, सेम वैसे जैसी मैम ने बोला है कि एक हैबिट बनानी है बच्चों को, डाइटरी हैबिट बनानी है, क्लीनलीनेस हैबिट बनानी है, 2 चीजें हैं. इन बिटवीन मील की स्नैकिंग कम करनी है. जो खाते हैं तो फाइबरस फूड ज्यादा खाएंगे, स्टिकी फूड कम खाएंगे. और दूसरा कोशिश ये करनी है कि मील टाइम जो है उसके साथ ही, आप खाना दिया बच्चे ने चॉकलेट खाना है तो उसी टाइम पे दे दें. उसके बाद ब्रश तो करेंगे ही, साफ करेगा तो साथ में हो जाएगा, थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है. दैट इज इट.